तो गाइस आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट मोड की कुछ रियल लाइफ इमेजेस जो कि कैमरे से खींची गई है। और सही में भाई यार जितने क्यूटी माइनक्राफ्ट में दिखते हैं उतने क्रीपी है ये रियल लाइफ। गाइस आज की वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को माइनक्राफ्ट की कुछ रियल लाइफ इमेजेस दिखाने और साथ ही साथ आपको हीरो ब्रायन की रियल इमेज भी दिखेगी। एंड या लास्ट में एक मिस्ट्री इमेज भी है जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले क्योंकि ज्यादा खतरनाक मिस्ट्री। ओके इसी के साथ बिना कोई देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस तो अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ हमारे एस्ट्रल प्लेन के अंदर। उसे दोबारा से अपडेट कर दिया भाई। यहाँ पे देखो यहाँ पे सील एल्टन लगा दिए गए और यहाँ पे बीच में भी बहुत सारे सील एल्टन लगा दिए। और आज हमारे पास है स्नीफर और इसके लिए हमें चाहिए सीड। सो बेसिकली जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे अच्छा। जो चीज लिखी हुई है वो लेके आनी है और इसके अंदर डालना है और उसके बाद होगा हमारा फोटो अपडेट। सो अभी जल्दी से हम लोग देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद गोट यहाँ पे और यहाँ पे शिप है और ओ ओके। सो अभी यहाँ पे है हमारा वीदर। वीदर नहीं भाई, वीदर बोल रहा था मैं इसे, रेड वार्डन। और यहाँ पे वीदर और एक सेकंड रेड वार्डन भाई, ये भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद क्रीपर है जिसे हमने पिछली बार मिस कर दिया था लेकिन अब की बार हम लोग देख के जाएंगे। और अब यहाँ पे विलेजर है और इसके बाद हाँ विलेजर बोलते हैं इसे। मैं थोड़ा कोई बात नहीं विलेजर प्लेजर में। लेकिन उसके बाद हमारा हीरो ब्रायन और उसके बाद हमारा मिस्टीरियस एंटिटी है भाई। इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये मिस्टीरियस है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लिटरली कोई भी इमेज हो सकती है राजा जी। सो अभी जल्दी से अपना आर्मर इक्विप करते और चलते हैं। ओके सो अभी मैंने अपना आर्मर इक्विप कर लिया है और अभी जल्दी से चलते स्नीफर के पास, देखते हैं उसके लिए उसकी पिक्चर देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ओके सो अभी मुझे कलेक्ट करके लाने हैं सीड। पीछे विलेज है जिसके अंदर से मुझे सीड बिल्कुल इजली आई थिंक मिल जाएंगे। सो अभी जल्दी से चलते। और ये देखो भाई मैंने पिछली बार यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और ये हैं क्या बोल रहा भाई, आ गया मैं तुम्हारे विलेज के अंदर। तो कौन सा यहाँ पे भी मैंने चढ़ के पूरा उसे मारा था। ये पिछली बार से यहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। सो अभी जल्दी से कलेक्ट करने स्टार्ट करते हैं हम लोग सीड। सीड कैसे मिलेंगे? हाँ मेरे को ग्रास तोड़नी पड़ेगी जिसकी मदद से मुझे सीड इजली मिल जाएंगे। ओके सो अभी ग्रास को तोड़ना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। ओके भाई यार सो जल्दी जल्दी से सीड कलेक्ट करते हैं क्योंकि 4-5-10-12 सीड तो लेके ही चलेंगे, क्या पता नेक्स्ट एंटिटी में भी हमें सीड की जरूरत पड़ जाए। और ये शिप को मारो भाई सबसे पहले यार, क्योंकि पिछली बार मुझे वूल की जरूरत पड़ी थी इसलिए मैंने वूल भी ले लिया है क्योंकि यार मुझे बहुत सारे आइटम की जरूरत ऐसे ही पड़ती रहती है। सो अभी आई थिंक इनफ सीड हो चुके हैं मेरे पास। सो अभी मुझे चलना चाहिए हमारे एस्ट्रल प्लेन के अंदर, उससे पहले थोड़ी घंटी बजा लेते हैं। ओके सो अभी जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे भाई देखना है कि स्नीफर कैसा दिखता है। बस एक सीड के बदले हम लोग स्नीफर की हॉरर इमेज देख सकते हैं, इससे अच्छा क्या होगा। सो जल्दी से चलते हैं। ओके सो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अभी ये रहा हमारा स्नीफर। और जिसको अभी तक समझ में नहीं आया भाई अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा ये इमेज अपडेट होती हो जाएगी। ओके सो ये डालते हैं। और ये स्नीफर है, कितना ज्यादा अजीब सा लग रहा है यार, बिल्कुल ज्यादा हॉरर तो नहीं है। चलो चलो कोई बात नहीं यार, ये स्नीफर बिल्कुल ना ज्यादा हॉरर लग रहा है ना ज्यादा कुछ लग रहा है। अभी पारी है अपनी गोट की जिसके लिए मुझे चाहिए हेविल, इतना आसान। चलो 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 ये तो हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी चलते हैं विलेज में क्योंकि मैंने आसपास ही हेविल्स देखे थे तो जल्दी से मैं हेविल उठा के लाता हूँ यहाँ। ओके सो मैं बोल ही रहा था और वहाँ पे मुझे हेविल दिख गए हैं और एक हेविल यहाँ पे नहीं, एक पे नहीं हाथ मारेंगे, हम लोगों को काफ़ी सारे चाहिए हैं। सो अभी जल्दी से कलेक्ट करते हैं हेविल्स को। ओके सो फाइनली मैंने यहाँ से सारे हेविल्स उठा लिए, हाँ अभी उठा लिए। टोटल मेरे पास 15 हेविल्स हो चुके हैं और पता नहीं विलेजर को मारने में मुझे क्या बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो जल्दी जल्दी चलते हैं भाई यार। अभी ये अब कुछ नहीं गाइज, देखा मेरी MLG की है मैंने और कोई ये नहीं बोलेगा मैं नूब हूँ, ठीक है।
सो अभी जल्दी से चलते हैं। के सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे एस्टल प्लेन के अंदर और अभी टाइम है हमारे गोट को देखने का। और अब की बार मैं सिर्फ एक हेविल डालने वाला हूँ भाई, क्योंकि इतने सारे वेस्ट नहीं करते हैं। सो अभी जल्दी से यहाँ पे चलो दो डाल देते हैं। के सो दो हेविल अंदर जा चुके हैं। सो ये कितना ज्यादा हॉरर। नहीं 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 एक सेकंड, मुझे ये फोटो खींचने वाले से पूछना है कि वो बच के कैसे आया। भाई ये कितना ज्यादा हॉरर है। ओ भाई इसका मतलब हीरो ब्राइंस तो इससे भी 20-30 गुना हॉरर होने वाला। रूम मिस्टीरिया एंटिटी वो तो बहुत ज्यादा हॉरर होगा। चलो चलो ज्यादा हॉरर नहीं होगा गाइज, डरना मत। सो अभी बारी है हमारी शिप की, जिसके लिए हम वीट इतना आसान। इसके लिए तो मुझे सिर्फ थोड़ी सी वुड चाहिए, क्योंकि मैं वुड से क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा और उससे हेविल से मैं बना सकता हूँ भाई। वीट बहुत ज़्यादा इजी है। सो अभी यहाँ पे थोड़े बहुत लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं भाई, हमारे ही आगे चल के काम आएगी, क्योंकि मैंने हेविल्स भी ऐसे ही इकट्ठा कर लिए थे, वरना मैं एक में भी काम चला सकता था, वहाँ से उठा लाता एक ही, बस अभी मुझे दोबारा चक्कर काटने जाना पड़ता। ओके सो अभी मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना ली और हेविल से हम लोग बनाएंगे। अभी हेविल से वीट कैसे बनाते थे मैं भूल, हाँ हाँ ऐसे ऐसे बनाते थे। ओके सो अभी काफ़ी सारा वीट हो चुका है, इनमें से आधे का हम लोग ब्रेड बना लेंगे। ओके सो मैंने काफ़ी सारा ब्रेड बना लिया, जो कि मेरे खाने में भी काम आएगा। वैसे फूड तो मेरे पास बहुत सारा था, लेकिन मेरा नॉनवेज खाने का मन नहीं करता, इसलिए जल्दी से हम लोगों ने ब्रेड बना ली और अभी यहाँ पे वीट डालते हैं। ओके सो अभी वीट डाल दिए और भाई ये भी बहुत ज़्यादा हॉरर है। यहाँ पे सबसे पहले स्नीफर का हॉरर इमेज आया, उसके बाद गोट का, और उसके बाद शिप का उससे भी ज्यादा हॉरर इमेज। ये कैसे हो सकता भाई, सर्वर को पता चल चुका है क्या, मुझे डर लग रहा है। चलो नहीं 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 सर्वर को कैसे पता चलेगा। सो अभी हमारी बारी है रेड भाई, रेड वर्डन की। तो अभी यहाँ पे मुझे इसके लिए चाहिए होंगे रेड स्टोन, सो जिन्हें कलेक्ट करने के लिए मुझे केव में जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पिकैक्स चाहिए होगी। सो अभी जल्दी से पिकैक्स के लिए मुझे आयरन चाहिए होगा, और आयरन के लिए आयरन गोलम चाहिए होगा। सो अभी जल्दी से आयरन गोलम को ढूंढ के उसे पेलते हैं। उसके बाद गुड मॉर्निंग गाइज, फाइनली नेक्स्ट डे हो चुका है और आई गेस सारे जॉम्बीज मर चुके होंगे और हमारा आयरन गोलम भी दिख चुका है मेरे को। सो अभी जल्दी से सबसे पहले अपनी हेल्थ फुल कर लेते हैं भाई। तो फाइनली ऊपर आ चुका हूँ और अभी एस्टल प्लेन भी इतना पास में है भाई। आज तो सारे टास्क बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, सो जल्दी जल्दी चलते हैं हम भी। उसके बाद इसे रेडस्टोन किसके लिए, हाँ 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 रेडस्टोन लेके आया था मैं इस दानव के लिए। भाई यार ये वार्डन कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सो अभी जल्दी से हम लोग ये स्टोन यहाँ पे डालते हैं। ओके सो इनफ रेडस्टोन डाल दिया मैंने, और ये तो कोई वॉरियर आ गया है। ये रेड वार्डन रियल लाइफ में ऐसा दिखता था। ओ भाई अभी समझ में आया मेरे को, ठीक है ठीक है ठीक है, ये रेड भी है थोड़ा थोड़ा। सो लेकिन यार ये वार्डन जैसा तो नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं वीदर इन रियल लाइफ भाई, ये बहुत ज्यादा तकड़ा होने वाला। और इसके लिए मुझे चाहिए सोल सैंड, जिसके लिए मुझे सो यहाँ पे लावा पूल तो है ही और वाटर पूल भी है और मेरे पास आयरन भी है। सो अभी जल्दी से हम लोग बनाते हैं
नेदर पोर्टल और उसके बाद चलेंगे। सो उसके बाद चलेंगे हम लोग नेदर में। सो जल्दी से वाटर बकेट बनाते हैं सबसे पहले। Moments later. Okay guys, so इतनी मेहनत के बाद यार फाइनली हमारा पोर्टल रेडी है और अभी इसे लाइट अप भी कर दिया और सभी जल्दी से चलते हैं नेदर के अंदर। ओके सो अभी मैं दोबारा नॉर्मल वर्ल्ड में जाके यार मेरे लिए काफी सारी डर्ट लेके आया हूँ क्योंकि काफी ज्यादा दूर मुझे सोल सैंड दिख चुकी है। तो अभी मुझे आराम आराम से उधर जाना पड़ेगा, तो मुझे वहां पे जाना है। अबे ये भी आ गया यार, यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले। वहां तक थोड़ा सा बेस बिल्ड करते हैं, मुझे शिफ्ट दबा के रखना है। जैसे मैं शिफ्ट छोड़ूंगा भाई गया मैं। ओके सो अभी यहाँ पे नीचे चलते हैं और मैंने यहीं पे तो कहीं पे देखा था वो बोरा बोरा बोरा, सबसे पहले इसे मारते हैं। ओके सो अभी वहां तक जाने के लिए मुझे एक बेस बिल्ड करना पड़ेगा। सो अभी यहाँ से कुछ ऐसे चलते हैं। भाई मैं आ गया यार, फाइनली फाइनली फाइनली। मैं भूल भी गया मैं सोल सैंड किस लिए, हाँ ये वाला फोटो देखना था वो भी पीटर का। तो अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे डालते हैं। ओके सो अभी टाइम है हमारे पीटर को देखने का। ओ भाई इतना ज्यादा हॉरर लग रहा है भाई यार, हमारा ये फिफ्थ आर्ट वर्क था ये बहुत ज्यादा हॉरर है भाई। नहीं 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 चलो 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 ठीक है ये बिल्कुल एक गेम है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और अभी हमें गन पाउडर चाहिएगा, तो उसके लिए हमें रात होने का वेट करना पड़ेगा यार। सो अभी विलेजर का देखते हैं पहले, उसके लिए चाहिए होगा हमें पंपकिन और इसके लिए वाटर बकेट। अरे ये रहा हमारे पास वाटर बकेट तो है ही, तो अभी वाटर बकेट को यहाँ पे डालते हैं, विलेजर का देखेंगे फोटो सबसे पहले। ओके सो अभी देखते हैं। भाई यार नहीं 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 ये कुछ ज्यादा ही हॉरर होते जा रहे हैं। और भाई मेरा सैल्यूट है जिसने ये वाले पिक्चर खींचे भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉरर है। सो अभी बिना टाइम वेस्ट के भाई यार इधर उधर घूमते हैं, रात होने का वेट करते हैं, उसके बाद हम लेके आएंगे गन पाउडर और इतने हम लोग पंपकिन भी ढूंढ लेते हैं। अबे भाई यार हेलो, ये यहाँ पे क्या करने आया? हेलो मेरे वर्ल्ड में क्या करने आया? अबे मेरे वर्ल्ड में आके मेरे कोई मारेगा? रुक जा, मार दिया मैंने, फाइनली गोल्ड नगेट मिला है यार। विलेजर विलेज के आसपास होते तो पंपकिन मुझे थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद मुझे आई थिंक मिल जाएगा। तो ढूंढते हैं थोड़ा सा। अरे भाई पंपकिन मिलेगा क्या तुम्हारा? पंपकिन मिलेगा क्या? अरे बता दे भाई पंपकिन मिलेगा क्या? नहीं बता रहा भाई वो तो। अबे ये इधर क्या करने आया? हेलो चल यहाँ से निकल। ओके 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 अभी टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो पंपकिन ढूंढते हैं जल्दी से और हमारी वाटर बकेट में पानी भी भर लेते हैं भाई, क्योंकि मैं प्रो हूँ यार, मुझे MLG करनी पड़ जाती है कहीं पे भी। सो मैं विलेज से काफी ज्यादा दूर तो नहीं आया हूँ क्योंकि घर इधर ही पास में ही है। सो पंपकिन मिलने का नाम नहीं ले रहा भाई मेरे को। A few moments later. Okay guys, so अभी फाइनली यहाँ पे रात हो चुकी है और एकदम से बारिश भी रुक गई, लेकिन अभी क्रीपर मिलने का नाम नहीं ले रहा भाई। क्रीपर ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे मिलेगा मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मुझे पंपकिन भी नहीं मिला यार आज। ओके सो मुझे बो मिल चुकी है और डे भी हो चुका भाई यार, यहाँ पे मैंने एक क्रीपर को और देखा था। ओके सो अपना शिकार वहाँ पे है, मुझे वो क्रीपर दिख चुका है।
एक मारा मैंने, ओके 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 ओके, थोड़ा दूर चलेंगे, एक और मारा, ओ फाइनली ये मर गया। ओके अभी गन पाउडर आ चुका है, जल्दी से चलते हैं भाई। यार बहुत मुश्किल से मिला गन पाउडर यार, जल्दी से चलते हैं। ओके अबे यार ये बारिश पता नहीं बार बार क्यों आ जाती है। सो अभी बारी है अपने क्रीपर की, सो अभी यहाँ पे डालते हैं अपना गन पाउडर। ओके सो अब तक इमेज लोड होगी होगी, मैंने यहाँ पे डाल तो दिया। ओ वेट अ सेकंड, ये बहुत ज्यादा हॉरर है ये, और ये थोड़ा बहुत एक दूसरे से मैच भी कर रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी विलेजर जाए भाड़ में भाई लोग, हम नहीं देखने वाले विलेजर को क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मली मिलेगा। अभी बारी है अपने भाई मोस्टर सबसे ज्यादा खतरनाक हीरो ब्राइन की। सो अभी जल्दी से हम लोग जाते हैं, इसके लिए हमें चाहिए 3 डायमंड और पीछे ब्लैक स्मिथ का घर है, वहाँ से थोड़ा बहुत डायमंड तो हमें इजिली मिल जाएगा, पक्की बात है। सो जल्दी से चलते हैं, चलो 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 चलते हैं चलते हैं। अभी ये विलेजर इतने सारे यहाँ पे क्यों, क्या कर रहे हैं भाई एक जगह पे। ओ ओ मुझे पूरे 4 डायमंड मिल गए, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। जल्दी से चलते हैं, और ये गेट को पता नहीं क्या दिक्कत है। केसो चलते चलते, रुको रुको रुको, अबे भाई 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 भाई, ये किधर से आ गए, बीच आ रही है उधर, जिससे हमें बच के रहना पड़ेगा। ओके चलो, ओ मेरा पानी पानी पानी, चलो 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 चलो, निकलो 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 भाई, वो बम दे दिया यार पोषण उसने, भागो भागो भागो। A few moments later, भाई हाफ हार्ट पे बचा हूँ मैं, भाई मैंने ये ठीक टाइम पे लगा दिए यार ये ब्लॉक्स। भाई कितना ज्यादा हॉरर वेदर हो रखा है, विच पता नहीं किधर से आ गई फिर। ओके सो अभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अभी जल्दी से देखते हैं हीरो ब्राइन की हॉरर वाली पिक्चर। भाई मैं मान जाऊंगा अगर ये बहुत खतरनाक वाली निकली तो। सो जल्दी से यहाँ पे डायमंड डालते हैं, 1 2 3। ओके सो मैंने यहाँ पे डायमंड डाल दिए, और अभी ओ ये क्या है, लो ये पिक्चर किसने खींची होगी, रियली में हीरो ब्राइन लग रहा है यार ये तो। इसे हटाओ भाई हटाओ यार, इस पिक्चर को हटाओ यार, मेरे को अच्छी नहीं लगी ये बिल्कुल भी। सो अभी आई गेस आज के लिए इतना काफी। ओ यार मैंने वो मिस्टीरी वाली पिक्चर तोड़ दी, सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उसे देखेंगे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम मिस्टीरी वाली पिक्चर देखेंगे, वो आएगा 100 लाइक पे। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।